ठंड में गरीब के घर अमीर सहेली लाई हीटर। ओह बाप रे, इस बार तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। चलो अब तुरंत चाय बनाकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती हूँ, जानवी आती होगी। पायल ठंड में कांपते हुए फटाफट चाय बनाकर अपने छोटे से घर के अंदर ले आती है। अंदर उसके गरीब माता पिता शेखर दामिनी एक चारपाई पर बैठे एक फटी रजाई ओढ़कर ठंड में कांप रहे थे। ये ठंड, इस बार सर्दी का मौसम लगते ही ठंड तो कैसे कहर ढा रही है। पिताजी आप गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, आपको ठंड नहीं लगेगी। तीनों ठंड में बैठकर चाय पीने लगते हैं। शेखर मोनपुर गांव में अपनी पत्नी और बेटी के साथ सालों से बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिताता आ रहा था। शेखर उसी गांव में छोटी मोटी मजदूरी का काम करता था। अचानक ठंड का मौसम आते ही ठंड ने अपना रुख ऐसा मोड़ा कि पूरा मोनपुर गांव इस ठंड के कहर से परेशान हो चुका था। इस ठंड से बचने के लिए शेखर और उसके परिवार वालों के पास न कंबल थे न स्वेटर थे। थोड़े समय बाद शेखर अपने काम पर चला जाता है, तभी पायल कॉलेज के लिए तैयार होकर घर से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। ये जानवी अब तक आई क्यों नहीं? तभी पायल की बचपन की सहेली जानवी अपनी कार में वहां आती है। उसने महंगी स्वेटर पहन रखी थी। ओहो पायल, चलना कितना समय लगाएगी। वाह जी वाह मैडम, लेट खुद आ रही हो और मुझे बोल रही हो। पायल जानवी के साथ कार में बैठकर उसी गांव के बड़े से कॉलेज में आती है। पायल कॉलेज खत्म होने के बाद हमें शॉपिंग करने जाना है। दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। शाम का समय, तभी पायल अपने घर आती है। पायल बिटिया, जा जंगल से लकड़ियां लेकर आ, घर में लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। पायल गांव के बाहर जंगल में चली जाती है। इधर जानवी अपनी कार में पायल के घर के बाहर आती है। जानवी बहुत अमीर थी। वो उसी गांव में अपने अमीर माता पिता हरीश मेनका के साथ रहती थी। जानवी एक भी बार पायल के घर के अंदर नहीं आई थी। वो हमेशा अपनी कार में पायल के घर के बाहर आती थी और पायल को वहां से लेकर चली जाती थी। उसे पता था कि पायल गरीब है, पर यह नहीं पता था कि वो कितनी गरीब है। तभी जानवी पायल को बार बार आवाज देती है, ये पायल कहाँ है, ये घर से बाहर क्यों नहीं आ रही। तभी जानवी कार से निकलकर पायल के घर के अंदर आती है तो अंदर का नजारा देखकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। अंदर दामिनी एक चारपाई पर फटी रजाई ओढ़े बैठी थी और घर में एक मिट्टी का मटका और बर्तन के सिवा कुछ नहीं था। ये क्या काकी जी, आपका घर तो कितना छोटा है। तभी दामिनी जानवी को अपनी गरीब परिस्थिति के बारे में सारी बातें बताती है। पायल और उसके माता पिता की गरीबी के बारे में सुनकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। क्या पायल ने कभी बताया नहीं मुझे कि आप लोग इतनी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। बिटिया तू बैठ, पायल जंगल में लकड़ियां लाने गई है, वो आती ही होगी। पायल और उसके माता पिता इतनी ठंड में कितनी परेशानी में अपना जीवन बिता रहे हैं, और ये बात मुझे पता ही नहीं थी। तभी जानवी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। थोड़े समय बाद पायल कई सारी लकड़ियां लेकर घर आती है। तभी दामिनी उसे जानवी के बारे में बताती है। क्या जानवी अंदर घर में आई थी? ये चमत्कार कब हो गया माँ, वो तो कभी घर में आती ही नहीं। मैं तो थक चुकी थी उसे अपने घर में बुला बुला कर, पर वो तो कभी आती ही नहीं थी। कहाँ गई वो? पता नहीं कहाँ गई, कुछ कहा नहीं उसने। थोड़े समय बाद जानवी एक बड़ा टेम्पो लेकर पायल के घर के बाहर आती है। भैया जी ये सारा सामान इस घर के अंदर ले आइए। दो आदमी टेम्पो से गैस चूल्हा, एक बेड, फ्रिज, कई सारे बर्तन, कंबल, स्वेटर वगैरह लेकर पायल के घर के अंदर आते हैं और सब सामान घर में जमाने लगते हैं। ये देखकर पायल दामिनी के होश उड़ जाते हैं। जानवी ये सारा सामान किसका है? ये सारा सामान मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ पायल। मेरी बचपन की सहेली और उसके परिवार वाले इतनी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। मेरी बचपन की सहेली होकर तूने एक बार भी नहीं बताया मुझे कि तू इतना परेशान थी। जानवी हमें नहीं, चुप कर वरना मारूंगी एक कान के नीचे। मैं तेरी सहेली नहीं बल्कि तेरी बहन हूँ, समझी ना। चल अब हमें शॉपिंग करने जाना और ये स्वेटर पहनकर चल, तुझे ठंड नहीं लगेगी। जानवी तू मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। तभी जानवी पायल को लेकर बाहर चली जाती है। इसी तरह जानवी अपनी गरीब सहेली की
हर समय मदद करने लगी। जानवी अपने लिए जो चीज खरीदती थी वो चीज वो पायल के लिए भी खरीदती थी। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन पायल जानवी का कॉलेज आज खत्म हो चुका था, तभी दोनों सड़क से पैदल जा रहे थे। पायल, अब तो हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब आगे पढ़ाई करने का इरादा है या नहीं? नहीं जानवी, मेरे माता पिता मुझे आगे पढ़ाई करने से मना कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब अब हम अलग हो जाएंगे? पायल, मेरे पिताजी मुझे विदेश में आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं। मैं वहाँ तेरे बिना कैसे रह सकती हूँ? चलना तू भी मेरे साथ पढ़ाई करने विदेश। चल, तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। नहीं नहीं पायल, तूने पहले ही बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अच्छा, चल पायल, अपना ख्याल रखना। ये सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे पायल, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? तेरी बहुत याद आएगी जानवी, मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? ये सुनकर जानवी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पायल के गले लिपट कर खूब रोने लगती है। तभी अगले दिन जानवी विदेश चली जाती है और इधर पायल जानवी से बिछड़ने के गम में अपने घर में हर समय उदास रहने लगी। कुछ महीने बाद शेखर दामिनी पायल की शादी उसी गांव के एक रोहन नाम के गरीब लड़के के साथ कर देते हैं। रोहन बहुत गरीब था। वो उसी गांव में अपनी गरीब माँ सुजाता के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। रोहन उसी गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता था। शादी के कुछ दिन बाद सवेरे पायल अपने ससुराल में मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी। पता नहीं जानवी कैसी होगी, कितने महीने से उससे मुलाकात ही नहीं हुई। पायल चाय लेकर घर में आती है और रोहन सुजाता को देती है। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ माँ। रोहन रोज की तरह अपनी साइकिल पर अपने काम पर जाने लगता है। तभी अचानक एक ट्रक तेजी से पीछे से आता है और वो रोहन को उड़ा देता है। इस घटना में रोहन के दोनों पैर कट जाते हैं और वो जीवन भर के लिए अपने घर में अपाहिज बनकर रह जाता है। ये देखकर सुजाता पायल खूब रोने लगते हैं। ये क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? माँ जी संभालिए खुद को। मैं कितना बुरा बेटा हूँ। जिस समय मुझे अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए था, उस समय मैं अपने परिवार पर बोझ बनकर बैठा। इससे तो अच्छा उस हादसे में मेरी मौत। नहीं, खबरदार रोहन जी, जो आज के बाद अपनी जुबान से आपने ऐसी बात कही तो मरे आपके दुश्मन। आप चिंता मत कीजिए रोहन जी, मैं हूं ना, मैं बाहर जाकर काम करके पैसे कमाऊंगी और अपने परिवार का गुजारा चलाऊंगी। पायल के लिए उसका ससुराल उसके मायके से भी ज्यादा गरीब निकला। तभी अगले दिन से पायल गांव वालों के कपड़े धोने का काम करने लगी। वो रोज सवेरे गांव वालों के कपड़े लेकर गांव के दरिया पर जाती और वहां अपने हाथों से कपड़े धोती। इस काम के पायल को रोज के कभी 100 रुपए मिल जाते थे तो कभी 200 रुपए। एक महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन सवेरे पायल ठंड में कांपते हुए दरिया के पास बैठकर ठंड में ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी। ये पानी कितना ठंडा है, थोड़ी कड़क धूप आ जाए फिर मैं कपड़े धोना शुरू करती हूँ। इधर जानवी विदेश से सीधे अपनी सहेली पायल के घर आती है। तभी दामिनी उसे पायल की शादी और उसके पति के हादसे के बारे में बताती है। ये सुनकर जानवी दंग रह जाती है। मेरी सहेली पायल के भाग्य में भी पता नहीं क्या लिखा है, क्यों उसका जीवन इतना दर्दनाक कांटों से भरा पड़ा है। तभी जानवी अपनी कार में पायल के ससुराल आने लगती है। इधर पायल अपने सिर पर कपड़ों से भरा गट्ठा लिए सड़क से पैदल जा रही थी। तभी अचानक एक कार पीछे से आकर उसे उड़ा देती है। वो कार में कोई और नहीं बल्कि पायल की बचपन की सहेली जानवी थी। जब जानवी अपनी सहेली पायल को देखती है तो पायल, तुम? पायल के पैरों पर चोट लगी थी। तभी जानवी अपना दुपट्टा फाड़ कर पायल के चोट पर बांधती है। तभी पायल जानवी को उसके ससुराल ले आती है। पायल के ससुराल के हालात और वहां की परिस्थिति देखकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। पता नहीं मेरे जीवन में क्या लिखा है जानवी, क्यों मेरे जीवन में इतने दुख लिखे हैं। रो मत पायल। पायल, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे रजाई दे दो। पायल अपने घर की फटी रजाई अपने पति को उड़ाती है। यह देखकर जानवी उदास हो जाती है। तभी जानवी बाहर आती है और मार्केट से एक महंगा रूम हीटर पायल के ससुराल लेकर आती है। पायल, ये लो हीटर, इसे घर में लगाने से तुम्हें ठंड नहीं लगेगी।
जानवी हीटर ऑन करती है तो पूरा घर गर्म हो चुका था। अरे वाह, अब तो जरा भी ठंड नहीं लग रही है घर में। ये हीटर तो बड़ा अच्छा है। शुक्रिया जानवी बिटिया। उस दिन हीटर की वजह से पायल और उसके ससुराल वालों को ठंड नहीं लगती। तभी जानवी अपनी सहेली पायल को अपने पैसों से वहीं एक किराना शॉप खरीद कर देती है, जिसके बाद पायल उस दुकान में कमाई करके अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। तो उसी तरह एक अमीर सहेली लेकर आई अपनी गरीब सहेली के घर हीटर।